वो झंडों के साथ, टैंकों के साथ नहीं आएगी, इट वॉन्ट कम वॉकिंग, सुम्मा तत्लू, वो तलू होगी सूरज की तरह, ऐसे ऊपर आएगी, ऐसे ऊपर आएगी। तो अब आप इमेजिन करें कि वो क्या चीज़ हो सकती है, दैट कुड ओनली बी सम। तो आज के दौर में अगर आप इसकी तब्दीक लें तो ये वाजे हो जाता है कि या तो सूद ब्लैक विजुअल्स ईस्ट की तरफ से आने वाले यकीनन काले जंगी जहाज हो सकते हैं, और ये ब्लैक जेट फाइटर्स। अल्लाहु 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 अल्लाहु। क़यामत से पहले एक वक्त आएगा कि जब इस्लाम ज़मीन के हर घर में दाखिल होगा, और उसका आगाज़ कैसे होगा? उसका आगाज़ इमाम अल महदी से होगा। एक वक्त आएगा कि ज़मीन ज़ुल्म व सितम से भर चुकी होगी, कोई भी जगह और कोई भी ठिकाना ऐसा नहीं रहेगा जहाँ पर जुल्म नहीं होगा, और हर शख्स जुल्म का शिकार होगा। उस वक्त में अल्लाह ताला एक शख्स को उठाएंगे, और जो शख्स, वो शख्स होगा इमामुल महदी अलैहिस्सलाम। उनका नाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के मुताबिक होगा, और उनके वालिद का नाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम के मुताबिक होगा। इन साहिब जो होंगे इमामुल महदी, इनके ज़हूर के बारे में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, लोग इख्तलाफ करते हैं, लेकिन अगर हम अहादीस को गौर से उनका मुताला करें तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि इमामुल महदी एक मुसलमान आम शख्स होंगे, एक कोई भी एक पर्सनालिटी होगी मुसलमानों की, मुसलमानों में से, जो एक तो अहले बैत में से होंगे, दूसरा ये होगा कि अल्लाह ताला ने उन्हें कुछ ऐसी सिंबल्स, कुछ ऐसी निशानियां दिखाई होंगी जिससे लोग उन्हें पहचान लेंगे, और वो किस जगह से होंगे इसके अंदर भी काफ़ी इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस इब्ने माजा में है। अगर आप इस हदीस को गौर से पढ़ें तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इमामुल महदी मशरिक़ की किसी सरज़मीन से होंगे, ना के मदीना मुनव्वरा से। हाँ, ये ज़रूर है कि वो मदीना मुनव्वरा में बुलाए जाएंगे या मदीना मुनव्वरा में मौजूद होंगे जब उनकी बाकी तमाम निशानियां भी पूरी हो जाएंगी, जब बैदा में एक फ़ौज को धसाया जाएगा, और फिर लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यही वो शख्स हैं जिनके ऊपर हमें बैत करनी थी, और जो इमामुल महदी होंगे। और जो इब्ने माजा की हदीस है वो क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युक्ततलु इंदा किंजकुम सलासा कुल्लुहुम इब्नु खलीफा, युक्ततलु इंदा किंजकुम सलासा कुल्लुहुम इब्नु खलीफा ثم لا يصير الى واحد منهم, के तीन लोग, तीन जमातें, तीन ग्रोह आपस में लड़ेंगे, कुल्लुहुम इब्नु खलीफा, यानी कि तीन लोग लड़ेंगे, तीन भाई आपस में लड़ेंगे, कुल्लुहुम इब्नु खलीफा, कि वो उस वक्त के हुक्मरान के तीनों बेटे होंगे, सुम्मला यसीरु इला वाहिद मिनहुम, और वो किसी भी एक के ऊपर उनका एग्रीमेंट नहीं हो रहा होगा, किसी के ऊपर भी वो फाइनलाइज नहीं होंगे, और उसकी वजह से जंग हो रही होगी, युक्ततल यानी किताल हो रहा होगा, लड़ाई हो रही होगी, सुम्मा तत्लु रायातु सूद मिन क़िबलिल मशरिक, उसके बाद क्या होगा कि अल्लाह ताला के फजल से, सुम्मा तत्लु रायातु सूद मिन क़िबलिल मशरिक, मशरिक की जानिब से काले निशान तलु होंगे, फयक्तुलूनकुम क़त्लन लम यक्तुलहु क़ौम, और वो तुमसे ऐसे किताल करेंगे, ऐसे लड़ाई करेंगे, लम यक्तुलहु क़ौम, के जैसे इससे पहले किसी ने लड़ाई नहीं की होगी,
जैसे हिस्ट्री में किसी ने नहीं देखा होगा कि इस तरह की भी जंग हो सकती है। सुम्मा ज़करु शैअन ला अहफ़ज़ु, फिर रावी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज़ का जिक्र फरमाया कि जो रावी को याद नहीं रही। फ़क़ौल, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ाइज़ा रअयतुमूहु फ़बायिउहु वलौ हब्वन अलस्सलज, और अगर तुम उन्हें देख लो फ़बायिउहु, तुम ज़रूर उनकी बैत करना, उनकी बैत के लिए जाना वलौ हब्वन अलस्सलज, चाहे तुम्हें बर्फ़ के ऊपर घसट घसट कर भी जाना पड़े। फ़इन्नहु खलीफ़तुल्लाहुल महदी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बैत को लाजिम करार दे दिया। फ़इन्नहु खलीफ़तुल्लाहुल महदी, क्योंकि उनके साथ अल्लाह ताला का खलीफा इमामुल महदी भी होंगे। इस हदीस शरीफ से यह चीज़ साबित हो जाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले अरब को जिस शख्स के बैत करने का हुक्म दिया, वो शख्स मशरिक की जानिब से ज़ाहिर होगा, और मशरिक की जानिब से कब ज़ाहिर होगा, तब ज़ाहिर होगा कि जब अरब के अंदर इख्तलाफ हो जाएगा, बादशाह के बेटों के अंदर के दरमियान जंग शुरू हो जाएगी, तीन गुरोह आपस में लड़ पड़ेंगे, फिर मशरिक की जानिब से काले झंडे काले निशान आएंगे और उनके साथ अल्लाह के खलीफा इमामुल महदी होंगे। इस हदीस शरीफ पे अगर आप ज़्यादा गौर करें और इसके अल्फाज के ऊपर अगर गौर करें तो आपको ये पता चलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन अल्फाज का चुनाव फरमाया है वो हैं सुम्मा ततलु रायातुस्सूद, के ततलु रायातुस्सूद के काले निशान तुलु होंगे। इसके अंदर जो ततलु का लफ्ज़ है, पहली तो बात यह है कि झंडे तुलु नहीं होते हैं, झंडे जो हैं वो आते हैं अफवाज के साथ, लश्करों के साथ लाए जाते हैं, और यहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है ततलु, तुम्हारे ऊपर तुलु होंगे। तुलु क्या होता है? सूरज तुलु होता है, यानी मशरिक की जानिब से सूरज इस तरह ऊपर की तरफ ऐसे उठता है, इस तरह से सूरज ऊपर की तरफ उठता है। अब यहाँ पे जिस चीज़ की बात हो रही है वो है कोई ऐसी चीज़ जो ऐसे तुलू होगी, और बात जिक्र भी हो रहा है कि मशरिक की जानिब से तुलू होगी, और साथ में क्या होगा कि रायातुस्सूद होंगे, वो रायातुस्सूद है। यहाँ पे झंडे का लफ्ज़, बैनर का लफ्ज़, कोई भी ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया जिससे हम झंडे की जो है ना वो तशरीह लें। इससे इसमें रायातुस्सूद कहा गया है। रायात किसको कहते हैं? अगर आप सूरतुल माऊन देखें तो उसमें क्या आता है कि अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, रआ का लफ्ज़ है यहाँ पे, जिससे अरअयता, क्या तूने नहीं देखा, और यहाँ पे क्या है रायात, यानी देखने का लफ्ज़ है। रआ होता है देखना, और अरअयता, क्या तूने नहीं देखा, और यहाँ पे क्या आ रहा है रायात, समथिंग दैट इज़ विजिबली ब्लैक। यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि वो झंडे होंगे या कुछ और होगा, कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो विजिबली ब्लैक होगी, जब आप उसे देखें तो वो ब्लैक नज़र आनी चाहिए। हाँ, ये ज़रूर एक निशानी बताई गई है कि उसको तुलू होना चाहिए, उसको इट वॉन्ट कम वॉकिंग, वो झंडों के साथ टैंकों के साथ नहीं आएगी, इट वॉन्ट कम वॉकिंग। सुम्मा ततलु, वो तलू होगी सूरज की तरह, ऐसे ऊपर आएगी, ऐसे ऊपर आएगी। तो अब आप इमेजिन करें कि वो क्या चीज़ हो सकती है। दैट कुड ओनली बी सम टेक्नोलॉजी दैट इज़ एबल टू फ्लाई। और एक और निशानी कि वो एक टेक्नोलॉजी हो सकती है कि सुम्मा ज़करु शैअन ला अहफ़ज़ु, के रावी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज़ का नाम लिया ला अहफ़ज़ु, जो मुझे याद नहीं रही। तो मोस्ट प्रोबेबली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी टेक्नोलॉजी का नाम लिया होगा जो रावी याद नहीं रख सके अरब में, जिसकी पहचान कम थी या जिसका समझना कम था या लोग उसको समझते जानते नहीं थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर की दिखा दी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको उसी तरह बयान भी फरमा सकते थे। लिहाजा हो सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं किसी टेक्नोलॉजी का जिक्र किया हो। तो आज के दौर में अगर आप इसकी तदबीक लें तो ये वाज़ह हो जाता है कि रायातुस्सूद
ब्लैक विजुअल्स ईस्ट की तरफ से आने वाले यकीनन काले जंगी जहाज हो सकते हैं, और ये ब्लैक जेट फाइटर्स अगर आज के दौर में अल्लाह ताला ने जिनके ऊपर अपने राज खोले हैं, जिन लोगों को अल्लाह ताला ने वो निशानियां बताई हैं, तो आज के दौर में वो काले झंडे और ब्लैक विजुअल्स यकीनन पाकिस्तान को अल्लाह ताला की तरफ से अता होने वाले वो जंगी जहाज़ हैं जो मुस्तकबिल करीब में आ होंगे। और ये बात यहाँ पे मैं वाज़े भी कर दूँ कि ये तदबीक मैं ले रहा हूँ मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के ख्वाबों से, कि उन्हें अल्लाह ताला ने ख्वाबों में दिखाया है कि मशरिक की जानिब से, जो ख्वाबों में ये दिखाया है कि दरअसल पाकिस्तान को अल्लाह ताला काले रंग के जंगी जहाज़ अता फरमाएगा, और वो जंगी जहाज़ उनकी तादाद 3,000 के लगभग होगी, और ये वो जंगी जहाज़ होंगे जो मशरिक की जानिब से निकलेंगे और जाकर मिडल ईस्ट में मुसलमानों से उनके खोए हुए इलाके छुड़ाएंगे। और ऐन मुमकिन है कि जो करंट रिजीम है सऊदी अरब का, उनके आपको पता है जो प्रिंस हैं और शहज़ादे हैं उनके दरमियान इख्तलाफ तो चलता रहता है, तो ऐन मुमकिन है कि जो करंट शहज़ादे हैं मौजूदा उन्हीं में इख्तलाफ हो, और फिर पाकिस्तान को अल्लाह ताला वो काले रंग के जंगी जहाज़ अता फरमाए, और फिर यहाँ से वो फ़ौजें निकलें और जाकर उनके दरमियान फ़ैसला करें।